है। उसके बाद आपने इन्वेंटरी में आपने इसमें आइटम मास्टर कैसे बनाते हैं ये देखा, ठीक है। उसके बाद आपका आइटम मैनेजमेंट, ट्रांसफर, गुड रिसीव, गुड्स इशू, ये सारी चीजें आपने इन्वेंटरी में देखा। अब आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। अभी आपका बचा क्या है, प्रोडक्शन और एमआरपी बचा है, छोटी और छोटी मोटी कुछ सेटिंग्स बचे हुए हैं, जो जैसे कि जनरल ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, किसी यूजर को क्या ऑथराइजेशन देना है, किसको क्या ऑथराइजेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें बचा हुआ है। यूजर कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक चीजें कुछ बचे हुए हैं, तो वो हम देख लेंगे लास्ट में जो चीजें बचेगी, और फिर उसके बाद ऐसा हम लोग आगे प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होता है, ऑन द फ्लोर प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन साइकिल में होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल है क्या एक्चुअल में, बिल ऑफ मटेरियल होता है कि जैसे सपोज दैट आप कोई एफजी आइटम बनाने जा रहे हैं, तो उस एफजी आइटम के जितने भी आपके फिनिश गुड हैं उन सभी का एक फाइनल फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कुछ चाइल्ड आइटम्स होंगे। चाइल्ड्स मतलब कि सपोज दैट जैसे आप पेन बनाने जा रहे हैं, तो एक पेन के लिए क्या क्या हमें चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, उसके रिफिल जो होते हैं वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, जो उसको कैप होते हैं वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, जो उसके बॉडी है वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आइटम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या कंप्लीट एक पेन बन जाएगा। आप मोबाइल बनाएंगे तो मोबाइल के केस में क्या हो जाएगा, जो उसका मदरबोर्ड है वो आपका चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका उसमें आपका स्क्रीन है वो चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका बॉडी है वो चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका कीपैड है वो चाइल्ड। तो ये सारी चीजों को जब हम असेंबल कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज मोबाइल। अब रही बात कि जो भी प्रोडक्ट फाइनल एफजी प्रोडक्ट जो फिनिश गुड बनता है उसके सेमी फिनिश गुड भी होते हैं। जैसे हमने मोबाइल का बात किया, तो मोबाइल के केस में जब मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में कई सारे चीज लगे होते हैं, उसमें आईसी लगे होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और उसके बाद उसमें आपके जो रैम की बात कर रहे हैं वो रैम लगे होते हैं। तो कई सारे आइटम मिलने के बाद वो आपका क्या बनता है, मदरबोर्ड बनता है। तो मदरबोर्ड क्या हो जाएगा मोबाइल का, वो उसका एसएफजी हो जाएगा, मतलब सेमी फिनिश गुड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी आइटम को बनाने जा रहे हैं तो उसके चाइल्ड आइटम या आपका एसएफजी आइटम वो होने चाहिए। अब मैं जरा सा आपको पहले ऐसे मैनुअली समझाता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा इस पे। मैं पीपीटी खोल लेता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। पीपीटी है नहीं, मैं आपको मानिक उस पे बना के बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे देखिए सपोज दैट हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी आइटम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सपोज दैट कि मोबाइल, एक हमें मोबाइल बनानी है, ठीक है। तो ये मोबाइल क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा एफजी आइटम, फाइनल फिनिश गुड जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, एफजी मतलब कि फिनिश गुड। अब इस मोबाइल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो जो भी आइटम हमें चाहिए इस मोबाइल को बनाने के लिए वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, या तो एसएफजी होंगे या फिर क्या होगा, चाइल्ड आइटम होगा। तो वो सारे क्या क्या हो सकते हैं तो उसको देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए हमारे पास जो आइटम होने चाहिए वो होने चाहिए एक तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए। तो मदरबोर्ड हम इसका मदरबोर्ड ले लेते हैं, तो आप फर्स्ट जो हो गया वो हो गया इसका मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका मदरबोर्ड। ये इसका एक आइटम, एक जो आएगा मदरबोर्ड आएगा, ठीक है। मदरबोर्ड के अलावा और क्या आएगा इसमें, मदरबोर्ड के अलावा इसका बॉडी आ जाएगा, बॉडी जो अपर वाला जो पार्ट होता है बॉडी हो जाएगा। बॉडी के अलावा और क्या लगेगा, बॉडी के अलावा इसके
इसके बैटरी चाहिए हमें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बैटरी। बैटरी के अलावा और क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, तो टच पैड जिसको बोलते हैं स्क्रीन, वो चाहिए हमें। इसके बाद अब इस मदरबोर्ड में क्या क्या हो सकता है, ये मदरबोर्ड जो है ये अकेला नहीं होता, इसके साथ कई होंगे। जैसे आप एफजी के साथ देखे 1 2 3 4 हमने एग्जांपल लिया, उसी तरह मदरबोर्ड के साथ क्या होंगे, मदरबोर्ड के साथ आपके आएंगे रैम हो जाएंगे इसके, रैम हो गए। उसके बाद क्या होंगे इसमें, रैम के बाद इसके सीपीयू होंगे, उसके बाद और क्या होंगे इसके, इसके आईसी होंगे, जो भी चीजें होंगी इसमें आप उस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर लीजिए। तो ये क्या एक तरह से अगर देखा जाए तो मदरबोर्ड एक ऑलरेडी एक एफजी आइटम, उसके चाइल्ड आइटम ये तीन हैं, सीपीयू, रैम और आपका आईसी। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं आईसी, ये क्या है, ये ऑलरेडी, ये तो इसको क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी मोबाइल में यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं एफजी होते हुए भी हम इसको क्या बोलते हैं एसएफजी, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बन तो रहा है उसी तरह से लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो मोबाइल है इसको, इसके मदरबोर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, हम लोग इसको यूज करते हैं एसएफजी, इसको क्या बोलते हैं एसएफजी, मतलब सेमी फिनिश गुड, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं एसएफजी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है एसएफजी। तो इस तरह से ये जो जितने भी आइटम आपने देखा जो पहले ये तैयार होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बॉम, और ऐसे फुल नेम क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल ये बताता है कि एक पार्टिकुलर आइटम को बनने के लिए कौन कौन सा आइटम हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बैटरी, बॉडी, टचपैड, ये सब क्या है, चाइल्ड आइटम आ गया, जिसको आरएम बोलते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल। ये मदरबोर्ड क्या हो गया, मोबाइल के लिए एसएफजी हो गया, सेमी फिनिश गुड है, जो इसमें लगेगा तब जाके ये फिनिश गुड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉम्ब बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम, सपोज दैट कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक चेयर बना रहा है, तो चेयर बनाने के लिए उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड कोई बना रहा है आपका, सपोज दैट कि आपके घर में कोई आपके जैसे कि एग्जॉस्ट फैन लग रहा है, ठीक है, तो उस एग्जॉस्ट फैन को बनाने में क्या क्या सामान चाहिए, तो वो एक पहले डेवलपमेंट टीम ने तैयार कर लिया कि भाई एक एग्जॉस्ट फैन को बनाने के लिए हमें ये चीजें, मोटर चाहिए, उसकी वायरिंग चाहिए, उसके बाद आपको ये फैन चाहिए, तो वो सारे चीजें इस तरह से बना लिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा बॉम्ब कहलाता है, दैट इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा बॉम्ब होता है। तो वैसे ही क्या होता है, सिस्टम में बनता है, जब हम सैप में आते हैं तो सैप में भी क्या होगा, बॉम बनेगा। अब जरा सा देखिए कि बॉम हमने इसमें मोबाइल का ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए आपको मोबाइल समझाया हमने। तो इसमें देखते हैं, ये है मोबाइल, देखिए, अच्छा इसमें बना हुआ नहीं है, एक मिनट रुकिए, नहीं है तो फिर बनाएंगे हम, ये है, ये क्या है, सोलर ऑफ ग्रिड, अच्छा ट्रांसफार्मर है ये स्ट्रक्चर, कोई नहीं, हम मोबाइल का अभी बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं मोबाइल का, बनाते हैं बॉम्ब। तो हमने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, मोबाइल है, तो हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ले लेंगे मोबाइल, ये हमारा मोबाइल हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके चाइल्ड आइटम क्या क्या है, तो चाइल्ड आइटम सबसे पहले इसमें है, ये जो आइटम आप देख रहे हैं इसमें क्या है, बैटरी है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये आइटम मास्टर में बना हुआ है कि नहीं, बैटरी है या नहीं, तो अगर नहीं होगा तो फिर हमें आइटम मास्टर में बनाना होगा।
बैटरी, बैटरी है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे जो आइटम हमने वहां पे बनाया देखा है उसको बना लेते हैं, किसमें, आइटम मास्टर में चल के बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे बॉम्ब। ठीक है, तो अभी इसको मिनिमाइज करते हैं, हम चलते हैं कहाँ पे, आइटम मास्टर में आ जाते हैं। तो आइटम मास्टर में चल के जो हमने अभी आपको पीपीटी पे बताया है उसी आइटम को हम यहाँ पे बनाएंगे, एक एक करके सबको बना लेते हैं, फिर हम उसके बाद बॉम्ब बनाएंगे। तो ये हो गया, हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं बैटरी, बैटरी या मोबाइल बैटरी लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सोलर का है इसमें, मोबाइल बैटरी, ये हो गया। ठीक है, अभी आइटम ग्रुप इसमें बना रखा है हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लिया। ठीक है, उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स जीएसटी आइटम होगा तो जीएसटी ले लिया, इसके एचएसएन कोड क्या होंगे वो उठा लेते हैं हम यहाँ से, बैटरी का यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये बैटरी के अंदर में आ गया। ठीक है, उसके बाद टैक्स कैटेगरी क्या है, रेगुलर है, ये हमने कर दिया। अब इसकी परचेजिंग यूनिट क्या होगी तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये क्या होगा, नंबर्स में होंगे तो NOS डाल देते हैं। अब ये क्या है, प्रिफर्ड सप्लायर, अगर किसी पार्टिकुलर सप्लायर से ही ये सामान आता है तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई यही सप्लायर जो है हमें देता, अगर नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए प्रिफर्ड सप्लायर को। अच्छा, आइटम पर परचेज यूनिट कितना है, 1 है। पैकेजिंग यूनिट में क्या है, यूनिट नेम क्या है, तो नंबर्स में ही है, ठीक है, जिसमें आ रहा है, और कितनी है, 1 ही है, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेल्स में क्या होगा, सेल्स में भी सेम ही है, ये क्या है आपका, नंबर्स में ही जाएगा जाएगा ये, और ये भी यूनिट क्या होगा, पैकेजिंग यूनिट भी जो क्या होगा, नंबर में सिंगल में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी किस में रखेंगे आप, ये भी नंबर्स में ही होगा, नंबर्स में। और बैटरी का वेट कितना होगा, तो 0.105 कर देते हैं, मतलब ये ग्राम में है, ठीक है, इतना। तो ये हो गया, अब आते हैं हम लोग किस पे, प्लानिंग डेटा। अब प्लानिंग डेटा बोल रहा है ये बाय कर रहे हैं बैटरी, क्योंकि हम बना रहे नहीं रहे हैं तो हम प्लानिंग में से नन करेंगे और बाय करेंगे। अगर ये एमआरपी इसको चलाना है तो हम नन के जगह पर यहाँ पे क्या करते हैं, एमआरपी करते हैं, जो आपको एमआरपी कराएंगे उसके लिए। ऑर्डर इंटरवल की क्या डेट रखने हैं, कितना दिन में वीकली आपको करना है, तो वीकली अगर कोई नया डेट 5 दिन 10 दिन डिफाइन करना है तो कर लीजिए, तो वो है उसके लिए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर कुछ मेंटेन करना है तो वो कर लीजिए। प्रोडक्शन डेटा में आएंगे कि ये मैनुअल है या ब्लैक फर्स्ट है। मैनुअल के केस में क्या होता है कि ये आइटम जब आप प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, मैनुअल अगर रखते हैं तो प्रोडक्शन के लिए इशू मेथड के लिए जाएगा, इशू होगा, नहीं अगर बैक प्लस में रखेंगे तो इशू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आपका आइटम प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो हमने इसको मैनुअल कर दिया, बाकी इधर कुछ नहीं है, रिमार्क वगैरह है, ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका इन्वेंट्री आइटम भी है, सेल्स आइटम भी है और परचेज आइटम भी है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करें, अगर आपका सेल्स आइटम नहीं है तो आप इसको सेल्स आइटम को अनचेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका आइटम तैयार हो गया, बैटरी बन गया। दूसरा क्या था आपका, बैटरी के बाद था आपका बॉडी टच पैड, तो उसी को बनाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये हमने ऑटो कोड ले रखा है, ये ऑटो कोड चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये आ गया आपका, अब हम ये यहाँ पे 1 था, अब 2 आ गया। अब हम डालते हैं क्या था हमारा, बॉडी, ये बॉडी ले लिया, बॉडी मोबाइल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम प्राइस लिस्ट लास्ट परचेज प्राइस, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी आइटम्स का एचएसएन कोड। अब ये इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसमें से नहीं है, नया है तो न्यू पे आके आप एचएसएन कोड डिफाइन कर सकते हो, मैंने मोबाइल में ही डाल दिया इसको, तो इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसको परचेज डाटा इसको डाल देते हैं NOS, सेल्स डाटा, ये सेल्स आइटम नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन का आइटम है, ये स्टॉक में रहेगा, इसको हम NOS कर देते हैं। वेट कितना होगा, तो 0.010 इतना ग्राम। ठीक है, प्लानिंग मेथड
बाय ही हैं, ये चलेगा। प्रोडक्शन में मैनुअल रखेंगे, जो भी हम इशू मेथड इन्वेंट्री से करेंगे उसको मैनुअल रखेंगे, तभी वो आपका स्टॉक अकाउंट को हीट करेगा, अदरवाइज ये स्टॉक अकाउंट को हीट नहीं करेगा बैक प्लस के केस में। तो इसीलिए आपको ये रखना है। ये हमारा बन गया, बॉडी बन गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका है टच पैड एंड मदरबोर्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। मोबाइल टच पैड, जैसे उसमें यूनिट रखा था, क्योंकि ये भी नंबर में ही जाएगा। वेट डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। परचेज, परचेज भी हम नंबर में ही करेंगे, इनवॉइस 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका ये आइटम बन जाएगा। ये हो गया, अब बनेगा मदरबोर्ड। अब यहाँ पे आइटम में जो हम SFG के कैटेगरी में डालेंगे, तो यहाँ बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे बनाएंगे आइटम, आइटम ग्रुप SFG, ठीक है। सेमी फिनिश्ड भी आप लिख सकते हैं, तो सेमी सेमी फिनिश्ड ग्रुप। मैनुअल कर दीजिए। प्लानिंग मेथड, हाँ जी प्लानिंग मेथड इसमें चलेगा, MRP चलेगा, ठीक है। बाई है नहीं, ये मेक बनाएंगे। सेमी फिनिश्ड फ्रॉम द बिल ऑफ मटेरियल से ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी बॉम बनेगा। ऑर्डर इंटरवल ये सब आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। इसके वैल्यूएशन मेथड मूविंग एवरेज है, बताया था आप लोगों को वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, तीन बताया था, मूविंग एवरेज, फीफो एंड आपको बताया था स्टैंडर्ड, ये तीन मैंने बताए थे, ठीक है। ये कर लेंगे इसमें, ये हमारा सेमी फिनिश ग्रुप बन गया। उसके बाद UAM मैनुअल है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए इसमें कि नंबर्स में ही जाएगा ये, तो नंबर्स जनरल में आ जाइए। जनरल में आने के बाद GST जरूर ओपन कीजिए इसको, मैनेज आइटम बाय, बैच बाय जगह बैच नंबर से करना है क्योंकि SFG आइटम है, एवरी ट्रांजेक्शन पे हम करेंगे। ये क्या है आपका बिन लोकेशन, नहीं सीरियल एंड बैच, ये कर दिया। उसके बाद HSN कोड ले लेंगे इसका, SFG का जो आप मदरबोर्ड बनाए वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा नहीं है, तो हम इसका CPU यहाँ पे दे रखा है, CPU का मोबाइल CPU, सोलर बैटरी, मोबाइल रैम, स्कीम, बॉडी, बॉडी बॉडी, फैन, अर्थिंग, सोलर बॉक्स नहीं दे रखा, तो हम कोई इसमें से उठा लेते हैं, अदरवाइज आप सर्च करके गूगल में डाल लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी जो है मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आपका ये सेल्स आइटम नहीं है, तो हम सेल्स को अनचेक कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका नंबर्स में ही आएगा, तो ये नंबर्स हो गए। वेट कितना होगा, तो 0.15, ठीक है, इतना ग्राम, यस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्लानिंग मेथड, ऑब्वियसली ये तो हो गया था, अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा SFG बन गया, ठीक है। अब SFG के चार आइटम कौन कौन है, CPU, RAM एंड ICU, तो ये भी बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे यहाँ पे मोबाइल CPU, ये बना होगा मेरे ख्याल से, तभी आपका ये ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो हम इसको लेते हैं मोबाइल CPU, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा, ठीक है। ये आपका जनरल में GST यहाँ पे आप उठा लीजिए इसका HSN कोड, CPU यहाँ पे था, मोबाइल CPU ये है, इसको हमने लिया, ठीक है। परचेज इसको किसमें, ये परचेज नहीं है, हाँ परचेज है, तो इसको हम नंबर्स में करेंगे। फिर उसके बाद ये सेल्स नहीं है, तो सेल्स को हटा लेंगे कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं,
स्टॉक कर रहे हैं, हाजी कर रहे हैं हम, तो ये नंबर्स में होंगे, इसके वेट जो भी डालना है डालिए, नहीं डालना है छोड़ दीजिए, ठीक है। ये नहीं है प्रोडक्शन के लिए जब यूज होगा तो मैनुअली होगा। अच्छा, मैं कुछ आइटम को ब्लैक फ्लस में भी रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे मैंने मैनुअल कर दिया है, अब एक दो आइटम जो है बैक फ्लस में रखूंगा, उससे क्या होगा आपको क्लियर पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है बैक फ्लस। इसको एड कर दिया, अब हम आ गए इस पे रैम पे और आईसी पे। तो अब हम रैम बना लेते हैं इसका, मोबाइल रैम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये कर दिया हमने, इसको हम बैक प्लस में रखते हैं मोबाइल के रैम को। तो देखिएगा कि क्या होगा जब जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा प्लानिंग एमआरपी चलेगा, हाँ एमआरपी चल सकता है इसमें, तो इसको कर दिया हमने। उसके बाद यूओएम नंबर्स में, ठीक है, सेल्स तो ये है नहीं, हम सिर्फ परचेज करेंगे इसको क्योंकि चाइल्ड आइटम है तो सेल्स नहीं होगा। परचेज में हम डाल लेंगे एनओएस, इसका नंबर में ही जाएगा रैम, ठीक है। अब इसके बाद प्लानिंग मेथड में हमने डाल दिया था ऑर्डर इंटरवल, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए वीकली। ऑर्डर मल्टीपल्स ऑफ, कितना का मल्टीपल्स होने चाहिए वीकली, तो हम इसमें डाल देते हैं कि अगर 10 हम ऑर्डर करेंगे 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 50 होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने आने चाहिए, 10, ठीक है। लीड टाइम वे एक हफ्ता का दिया है तो लीड टाइम 7 डे, टोलरेंस कितना है 2। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे, हमारा आइटम बन गया। तो ये हो गया हमारा रैम हो गया था, अब आईसी बच गया, ये हो गया हमारा आईसी, आईसीई, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे ये हमने जीएसटी ले लिया इसका, मोबाइल आईसी देखिए इसमें दे रखा होगा, सीपीयू हो गया, मोबाइल रैम हो गया, मोबाइल आईसी, चलिए इसी सीपीयू के कैटेगरी में डाल देते हैं इसको। स्क्रीन भी है इसका, वो स्क्रीन साइज बनाया हमने, तो इस तरह से हम सारे आइटम पहले बना लेंगे जितने भी आइटम हैं। ये हो गया हमारा नंबर्स में, ठीक है। सेल्स आइटम ये है नहीं, उसके बाद ये स्टॉक का आइटम है तो स्टॉक हम कर लेंगे नंबर्स में, ये हो गया स्टॉक। वेट कितना है नहीं डाल रहे हम कुछ भी, जो आपको अगर रहेगा वेट तो पता तो डाल दीजिएगा। ये एमआरपी, हाँ जी एमआरपी चलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन इसको भी बैक प्लस में रख देते हैं, तो इस तरह से आपके सारे आइटम बन गए, जो नहीं बने हैं उसको छोड़ देंगे, इस तरह से हम कर लेते हैं। आपको बनाना है सारा बना के एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने मोबाइल में क्या क्या लग रहा है तो सारे आइटम को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोबाइल बैटरी लगेगा, चाइल्ड आइटम है, उसके बाद मोबाइल का बॉडी लगेगा, मोबाइल का टच पैड लगेगा, ठीक है। अब ये आपको नहीं लेना है सीपीयू और ये नहीं, सिर्फ मदरबोर्ड लेना है क्योंकि मदरबोर्ड का पार्ट है ये 3, तो उसका अलग से बनेगा आपका बॉम। तो ये आपने कर लिया। अब रही बात कि प्लान एवरेज प्रोडक्शन साइज, तो एक को बनाने के लिए कितने क्वांटिटी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है मोबाइल बैटरी एक चाहिए, मोबाइल का बॉडी एक ही चाहिए, टच पैड एक ही चाहिए, मोबाइल मदरबोर्ड एक ही चाहिए। अगर सपोज दैट कोई ऐसा इसमें क्वांटिटी होता जो 2 लग रहे हो तो हम यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर देंगे, ठीक है। कहाँ से आएगा, ये आपका आरएम वेयर हाउस है, मतलब रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, उससे आएगा, ठीक है। प्राइस का क्या इफेक्ट है, अगर प्राइस 1 रखना है तो रखिए, लास्ट परचेज प्राइस आप सबने अपडेट कर दीजिए, या आइटम पे आप अपडेट रखेंगे तो लास्ट परचेज प्राइस ही लेके आएगा, मतलब कि जितना आपने खरीदा था उसी हिसाब से वो प्राइस उठा के लाएगा। आप चेंज करने को कर सकते हैं, ऑटो ही उठा के लाएगा। अब इसको करने के बाद अभी हमारे पास SFG है नहीं, SFG बनाना पड़ेगा, लेकिन आपका ये बॉम्ब कंप्लीट हो जाएगा कि एक आपको मोबाइल बनाने के लिए ये सारे इतने आइटम एक एक रिक्वायर्ड है, आपने प्री डिफाइंड कर दिया इतना, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे हमारा ये क्वांटिटी बन के तैयार हो जाएगा, तो हम इसको ऐड करते हैं, ये हमारा बॉम्ब बन गया। अब अभी बॉम्ब तो बना है लेकिन हमने SFG अभी नहीं बनाया है, मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का भी उसी तरह से बॉम्ब बनेगा। तो मदरबोर्ड यहाँ पे SFG जो है ये अब इसके लिए FG आइटम हो गया। अब इसके बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए CPU चाहिए, RAM चाहिए, IC चाहिए, ठीक है।
तो जितने हैं ये सबको सिलेक्ट कर लिया, आप कितने क्वांटिटी एक को बनाने के लिए है, एक आपको ये क्या आ गया, ये कुछ और आ गया, इसको हटा देते हो, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। मोबाइल सीपीयू आपको सेंटर एक चाहिए, रैम आपका एक ही चाहिए, आईसी आपको दो चाहिए सब उधर, तो आप यहाँ पे एक को बनाने के लिए दो कर दिया, ठीक है। इसको करने के बाद आप जब ऐड करेंगे तो ये आपका एसएफजी बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आएंगे, ये अभी हमने क्या किया, अभी हमने बॉम बनाया, बिल ऑफ मटेरियल बनाया कि किसी भी पार्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब बिल ऑफ मटेरियल जब बन गया तब अब बनाएंगे हम प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर का स्क्रीन जब खोलेंगे तो वो ऐसे आएगा, प्रोडक्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे मोबाइल बना रहे हैं, ये चार नंबर पे ये मोबाइल क्वांटिटी बना रहे हैं, तो हमने उसको सिलेक्ट कर, जैसे ही हमने सिलेक्ट किया जो बॉम बनाया था, ये देखिए अपने आप यहाँ पे सारे क्वांटिटी लेके आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो सपोज दैट मैंने इसको 100 प्रोडक्शन करनी है, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, देखिए प्लान क्वांटिटी अपने आप 100 से मल्टीप्लाई होके आ गया, कि 100 हमको मोबाइल बैटरी चाहिए, 100 आपको मोबाइल का बॉडी चाहिए, 100 टचपैड चाहिए, 100 मदरबोर्ड चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज दैट बेस क्वांटिटी में कोई भी अगर दो रहता तो यहाँ पे दो बन गया, ठीक है। तो ये चाहिए हमें, अब इसको बनाने के लिए आपको ये बनानी है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो आप बनाना है सेल्स ऑर्डर से भी लिंक अप कर रहे हैं। सपोज दैट कहीं से आपको ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के बेस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस सेल्स ऑर्डर के साथ भी आप इसको लिंक अप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, सेल्स ऑर्डर जो बना होगा उससे प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर से ही आपको रखना है तो प्रोडक्शन ऑर्डर को ही आप लिंकअप बना सकते हैं। लिंकअप ऑर्डर आप जो चाहें, प्रोडक्शन ऑर्डर, परचेज ऑर्डर जो भी आपकी है उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंकअप रखने के लिए अलग से फिले, कोई कस्टमर पार्टिकुलर जिसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको रख सकते हैं, कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको रख सकते हैं। तो ये सारे लिंकअप बनाने के लिए है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन ऑर्डर, यहाँ पे कुछ रिमार्क आपको डालना है तो डाल सकते हैं, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया। अब प्रोडक्शन ऑर्डर बनने के बाद, अभी सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर बना है, बनने के बाद क्या होगा, हायर अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगा कि ये ऑर्डर जो बना है सही बना है या नहीं बना है। यदि आप ही बना रहे हैं, आप ही हायर अथॉरिटी है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट पर्चे पर जाएंगे, यहाँ जो प्लान है इसको आप रिलीज करेंगे, जो हायर अथॉरिटी होगा वो इसको रिलीज करेगा, जैसे इस पे आएगा और बस इसको अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट किया अब ये रिलीज हो गया, रिलीज हुआ अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम इस प्रोडक्शन ऑर्डर को मिनिमाइज करेंगे, जो गुड्स इशू करता होगा प्रोडक्शन के लिए वो आएगा यहाँ पे, जो बंदा वेयरहाउस में बैठा होगा वो ओपन करेगा यहाँ पे और वो देखेगा कि जो प्रोडक्शन के लिए कुछ इशू के लिए रिक्वेस्ट आया है नहीं आया है, वो जाएगा यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर पे, यहाँ पर जब आएगा तो वो देखेगा कि आज के डेट में ये हमें प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए गुड्स इशू के लिए रिक्वेस्ट आ रखा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर ये। अब वो जैसे ही यहाँ से चूज करेगा तो ये सारे आइटम दिखाएंगे कि भाई इतने आइटम चाहिए, क्वांटिटी जीरो दिखा रहा, अच्छा वेयर हाउस में नहीं है ना, इस वेयर हाउस में क्वांटिटी है नहीं, तो हमें सबको वो करना पड़ेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी वेयर हाउस से इशू तो तभी होगा जब उस वेयर हाउस में इन्वेंट्री होगा, क्वांटिटी होगी, तो हमारे पास क्वांटिटी है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को या तो परचेज के थ्रू गुड्स डिलीवरी से हमें गुड्स एमआरएन के जीआरपीओ के थ्रू हमें लेना होगा तो हम वहां से ले लेते हैं, या फिर आप क्या करेंगे गुड्स रिसीव का जो इन्वेंटरी में था वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आएंगे, जो आइटम है पहले हम उसको क्या करेंगे इन्वेंटरी में उसको लेंगे, यानी कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, तो पहले हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, यहाँ पे गुड्स इशू गुड्स रिसीव। अब यहाँ पे वो सारे आइटम जो हम सब की पहले इन्वेंटरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए इन सबको इशू, मोबाइल बैटरी तो बनेगा प्रोडक्शन से, बाकी हमें मोबाइल बॉडी चाहिए होगा, टचपैड चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, आईसी चाहिए, मदरबोर्ड भी तो बनेगा, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड को छोड़ के आप ले लीजिए, तो मोबाइल हमें चाहिए, मोबाइल टचपैड चाहिए, ये नहीं चाहिए,
हमें मोबाइल सीपीयू चाहिए, मोबाइल रैम चाहिए और ये चाहिए। अब हम इसको चूज कर लेते हैं, अब इसको हम कर देते हैं सबको 5500 इशू लेते हैं। बोले कि आप ऐसे ही डाल रहे हैं, हम ऐसे अभी डाल रहे हैं आपको साइकिल चलाने के लिए। एक्चुअल में क्या होगा, ये सारा आइटम परचेज जो टीम है, परचेज टीम परचेज करके इन्वेंट्री में मेंटेन करेगी। इसको हमें करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी जो अभी आप इन्वेंट्री में देख रहे थे वो इन्वेंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अभी तो हमारे पास साइकिल चलाना, इसीलिए मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ। ये काम किसका था, परचेज टीम का है। परचेज साइकिल जो चलाया था हमने उसका काम था, तो हमारे पास वो स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक मेंटेन कर लेंगे, विदाउट स्टॉक का साइकिल चलेगा नहीं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। ये हमने लिया उसी वेयर हाउस में, जो आरएम वेयर हाउस था उसी में हमने इसको ले लिया। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जनरल एंट्री है, स्टॉक डिफरेंस गेन इतना हो गया, स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का है ये, तो ये सारे क्या होंगे, डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं तो ये डेबिट हो रहा है। अब इसको एड करेंगे तो हमारा सारा का सारा आइटम क्या हो जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा। अब हमारा स्टॉक क्वांटिटी दिखाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन इशू पे, तो प्रोडक्शन इशू पे आए। ठीक है, अब इसी को फिर से क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं, फिर से हम प्रोडक्शन इशू को खोल लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमें क्या करेगा, जितने भी आइटम्स थे अब 5500 क्वांटिटी दिखाएगा। यहाँ पे आगे प्रोडक्शन पे आए, प्रोडक्शन पे आने के बाद ये प्रोडक्शन ऑर्डर आज बनाया था, इसको चूज कर लिया। चूज करने के बाद ये देखिए, ये हमारा क्वांटिटी दिखा नहीं रहा है, अच्छा देखते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा इशू करना है, सारे आइटम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन सारे आइटम को हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे ये सारा आइटम है, इन स्टॉक ये नहीं दिखा रहा है, ये आइटम, ये कौन सा है, मोबाइल बैटरी, इन स्टॉक में ये है मोबाइल बैटरी, कौन से बियर हाउस में चला गया, देखे इसको चेक करते हैं ये कहाँ गया। जब तक इसमें स्टॉक में रहेगा नहीं ये इशू करने नहीं देगा, तो ये एरर आता है, ये ध्यान दीजिएगा कि क्या है। अभी हमने 500 क्वांटिटी लिया था, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हम स्टॉक डेटा में आए और देखते हैं कि ये 500 जो हमने लिया था वो कहाँ चला गया। तो ये पहले से कमिटेड है, क्यों हमने अभी लिया तो था मोबाइल बैटरी, कोई दूसरा ले लिया क्या, मोबाइल बैटरी यही तो है, आरएम वेयर हाउस ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें, नेगेटिव क्वांटिटी दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा ये आइटम है, ये है मोबाइल मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड तो अभी मैन्युफैक्चरिंग होगा, मदरबोर्ड तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं है, लेकिन मोबाइल बैटरी क्यों नहीं, मोबाइल बैटरी तो हमने लिया था गुड्स रिसीव में अभी। देखते हैं इसका क्या सीन है, या तो फिर छूट गया होगा गुड रिसीव, हमने जो रिसीव्ड किया था ये था मोबाइल बॉडी। अच्छा, बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी नहीं है तो हमें बैटरी लेनी पड़ेगी। तो बैटरी लेने के लिए हमें बैटरी को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मोबाइल बैटरी, अच्छा मोबाइल बैटरी यहाँ, इसको ले लेते हैं हम 500। ठीक है, 50 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे आरएम वेयर हाउस में, ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया, अब आप आ जाइए प्रोडक्शन इशू पे। अब इशू पे आए हैं तो ये जो क्वांटिटी है आपका मोबाइल बैटरी तो आ गया, इसको फिर से हमें इशू करना पड़ा, लेकिन अभी आपके पास मदरबोर्ड नहीं आया, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, उस केस में पहले मदरबोर्ड को हमें सेमी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो जो SFG है। तो अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ मोबाइल मदरबोर्ड को, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले ये तीन प्रोडक्ट लेता हूँ, ये वाले जो हमारे स्टॉक में है। तो ये हमारा कहाँ चला, इशू फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑर्डर, ये है आपका प्रोडक्शन ऑर्डर, ये हमने चूज किया। उसके बाद हम आ गए मदरबोर्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि मदरबोर्ड हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है अभी, फिर उसके बाद वो आएगा स्टॉक में, फिर उसके बाद ये लेंगे, फिर ये, और इसको भी ले ही लेते हैं हम, उसके बाद मदरबोर्ड का प्रोडक्शन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 500 क्वांटिटी अभी इसका नहीं है मदरबोर्ड का। अब इसको हम अभी मिनिमाइज करते हैं
और नहीं तो आप मदरबोर्ड को हटा दीजिए, बाकी को आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया, लेकिन ये प्रोडक्शन चलने नहीं देगा, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा तब तक प्रोडक्शन होगा नहीं। आप ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी आपका इशू हो गया, वेयरहाउस वाले ने क्या किया, इशू कर दिया। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, अभी अभी बचा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का हमने क्या किया था, अभी बिल ऑफ मटेरियल बना लिया था, आपको याद होगा हमने ये ट्रांसफार्मर, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर, ये था ना मोबाइल, और मोबाइल के बाद था, मोबाइल से ये मदरबोर्ड हमने बनाया नहीं है, तो मदरबोर्ड का मदरबोर्ड बनाया तो था अभी बिल ऑफ मटेरियल। एक मिनट, ये हो गया हमारा मोबाइल मदरबोर्ड फर्स्ट में ही है, तो ये हमने बना रखा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं इसका, पहले इसका प्रोडक्शन करेंगे तब हम करेंगे मोबाइल का। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये अब कितनी बनाना है, ऑब्वियस सी बात है 100 मोबाइल के लिए 100 मदरबोर्ड चाहिए, तो 100 हमने कर दिया। ये देखिए, ये 2 क्वांटिटी चाहिए था, 200 ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर बनने के बाद ये अभी प्लान हुआ है, प्लान होने के बाद क्या करना है, इसको रिलीज करेगा हायर अथॉरिटी। तो हम इसको जा रहे हैं, इसको प्लान को रिलीज कर दिया, ये रिलीज हो गया। इसको जब अपडेट करेंगे ये रिलीज हो गया। अगर आप प्लान पे छोड़ देंगे तब आप इशू फॉर द प्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको इशू कर वो करना है, रिलीज करना है। अब इशू में आएंगे तो ये दिखाएगा, ये आपको, ये देखिए ये मदरबोर्ड आ गया नीचे वाला, इसको हमने चूज किया, ये है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें दो आइटम को हमने बैक फ्लश रखा था, याद होगा आपको कि रैम को रखा था और क्या था, आईसीयू था। यहाँ पे देखिए मोबाइल सीपीयू, ये मैनुअल में था, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी इशू के लिए आया नहीं, वो ऑटोमेटिकली इशू हो गया। आपको इशू करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो बैक फ्लश में था तो वो इशू में चला गया। सिर्फ आपको इसको इशू, क्योंकि मैनुअली आपने रखा था इसीलिए यहाँ पे इशू में आना पड़ा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब कितने चाहिए, 100 क्वांटिटी 500 है, तो हमने इसको एड कर दिया, ये हमारा इशू हो गया। अब हमें क्या करना है, अब प्रोडक्शन है, पहले बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑर्डर, इशू फॉर द प्रोडक्शन, अब क्या करेंगे, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लाइन में गया, प्रोडक्शन WIP में वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है। अब जब WIP में चला गया, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में हो रहा है, जब बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो उससे क्या करें, हम यहाँ आएंगे प्रोडक्शन ऑर्डर पे आएंगे, और ये जो आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मदरबोर्ड को रिसीव करते हैं। तो ये मदरबोर्ड हमने सेलेक्ट किया, और कितने 100 मदरबोर्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसकी यूनिट प्राइस ये लास्ट परचेज प्राइस से उठ के आया है। कहाँ से आया, ये जो आपके इसके चाइल्ड आइटम थे उससे ये बन के आया है इसकी प्राइस, कि कितना का आपका सीपीयू था, कितना का आपका आईसी था, कितना का आपका आरएम था, तीनों के प्राइस को एड करके ये अपने आप उठा के लाया उसकी, कि एक मदरबोर्ड को बनने में इतनी आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज एड कर दीजिए। अब इसको ये देखना है किस वेयर हाउस में जाना है, तो आरएम वेयर हाउस में जाना है, ऑब्वियस सी बात है एसएफजी है, या फिर आप अदर से कोई वेयर हाउस बनाना चाहते हैं अलग से एसएफजी वेयर हाउस, ये है आपके एसएफजी, तो एसएफजी वेयर हाउस में आप इसको डाल दीजिए, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि भाई एसएफजी में हमें लेना है। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका, अब ये बैचेबल आइटम है, याद होगा आपको मैंने इसको बैचेबल आइटम किया था, तो ये बोल रहा है कि आप रिसीव करें तो उसका बैच डिफाइन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, बैच डिफाइन करने के यहाँ पे यू कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इसको डिफाइन करेंगे कि बैच क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका बैच जो एसएफजी है तो एसएफजी, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं स्ट्रिंग चला देता हूँ 121, और इसको बोल देता हूँ नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर में रहेगा और ये नंबर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो इस तरह से हमारा एसएफजी 101 बन जाए। अब और कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो CV021, इस तरह से हमने डिफाइन, और कुछ है तो इस तरह से नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका बैच ये अब 100 क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वांटिटी कितने, इस बैच पे 100 क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको जब अपडेट करेंगे तो ये हमारा बैच डिफाइंड हो गया। अब जब हम इशू करेंगे तो ये हमारा रिसीव करेंगे, तो इस बैच से हमें 100 क्वांटिटी रिसीव हुआ है। अब इसी बैच से जब इशू करेंगे तो इसी बैच के थ्रू ये इशू होगा। तो ये आपका मदरबोर्ड बन गया।
अब मदर बोर्ड जब बन गया तो अब आते हैं हम लोग जो हमारा उसका जो ये मोबाइल जो कर रहे थे उसको देखते हैं। मोबाइल का ये था हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया था, उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर में आप देखिए ये मोबाइल मदरबोर्ड में ये देखिए यहाँ पे बैक प्लस दो आइटम था, मोबाइल रैम एंड आईसीयू, इसीलिए ये आपको नहीं मांगा वहाँ पे इशू के लिए। अब फिर से हम चलते कहाँ पे इशू फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि मदरबोर्ड हमने इशू नहीं किए थे। तो अब आ जाएंगे यहाँ पे, अब देखिए वो ऑलरेडी मोबाइल वाला स्टैंडिंग है अभी तक, ये ऑर्डर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ मदरबोर्ड यहाँ पे स्टैंडिंग है, बाकी आइटम आपने सिलेक्ट कर रखा था तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इशू फॉर द प्रोडक्शन ये आ गया। अब इसको जब आप इशू कर देंगे इंटर क्वांटिटी दैट डजंट कॉल, अच्छा इसमें बोल रहा है कि आपका वेयर हाउस हमने SFG में डाला था, यहाँ से वेयर हाउस हम चेंज कर देंगे, किसको कर लेंगे SFG में, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो हुआ था मदरबोर्ड कहाँ गया था SFG में गया था। तो ये 100 क्वांटिटी है, 100 रिक्वायर्ड है इन स्टॉक, अब हम इसको इशू करेंगे। तो देखिए जिस बैच से हमने रिसीव किया था उसी बैच पे ये मांग रहा है, ठीक है। तो ये बैच ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ये बैच आ गया। अब जैसे ही अपडेट करेंगे विदाउट बैच का वो जाने नहीं देगा, यहाँ बैच बनाना क्योंकि बैचेबल आइटम है। अब आप इसको ऐड किए तो आपका इशू हो गया। इशू हो जाने के बाद आपका प्रोडक्शन लाइन में चला गया, मोबाइल भी चला गया, ठीक है, मदरबोर्ड चला गया और बाकी जितने आइटम थे ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन में था ही, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप रिसीव करेंगे कहाँ से, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन, ये रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन करेंगे मोबाइल का। तो आप फिर आएंगे प्रोडक्शन ऑर्डर ही बेस है, यहाँ पे आएंगे और ये आपका मोबाइल था, देखिए मदरबोर्ड वाला क्लोज हो गया, यहाँ से हट गया है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कितने आइटम हैं इसमें, जो आइटम 100 है, एक मोबाइल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 705 रुपीज, ये कॉस्ट कहाँ से आया, जितने भी आइटम आपके लगे हैं उन सारे आइटम का कॉस्टिंग एड करके आया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा FG वेयर हाउस में जाएगा। तो यहाँ पे FG हमने वेयर हाउस बना रखा है, इस वेयर हाउस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कहाँ चलाया FG वेयर हाउस। अब जब एड करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन, अब ये पूछ रहा है कि आप जो रिसीव कर रहे हैं तो ये भी तो बेचेबल, FG आइटम जनरली बेचेबल ही होता, तो ये फिर से अब बैच मांग रहा है कि कौन किस बैच पे करना है। तो हम ऑटो क्रिएट करेंगे, यहाँ से ऑटो आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे डाल देंगे कि ये FG आइटम है, तो FG, ठीक है, और इसको स्टार्ट करेंगे 010 से, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे नंबर में कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, सॉरी इंक्रीजिंग में कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा कोई एट्रीब्यूट डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं FG, और ये क्या है मोबाइल, तो M कर दिया हमने, ठीक है, मोबाइल कर दीजिए ऐसे इस तरह से, और इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा बैच क्रिएट हो गया, अब इसको अपडेट कर देते हैं, अब इसको आप रिसिप्ट कर लीजिए, तो ये आपका रिसिप्ट हो गया, 100 क्वांटिटी आपका मोबाइल बन गया। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन साइकिल क्लोज हो गया, जो आपका प्रोडक्शन था वो क्लोज। अब आप इस पर रिलेशनशिप मैप देखेंगे नीचे में कि रिलेशनशिप मैप क्या करा, तो इसका दिखाएगा ये क्लोज हो चुका है। ये देखिए यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर बना था, प्रोडक्शन ऑर्डर से प्रोडक्शन इशू हो गया, ठीक है, इशू दो बार हुआ क्योंकि एक बार मदरबोर्ड हमने बाद में किया था, बाकी आइटम को पहले कर दिया था, फिर रिसीव फॉर द प्रोडक्शन हो गया। इस तरह से हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जरा सा अकाउंटिंग देखते हैं, अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर देख लिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल एंट्री यहाँ पे नहीं जाता क्योंकि ये ऑर्डर बना है, ठीक है, लेकिन जब आप इशू में जाएंगे जो आपने इशू फॉर द प्रोडक्शन किया था इसमें आपको जनरल अकाउंट इम्पैक्ट दिखाएगा। ये देखिए ये है ना SFG, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिखाएगा, ये देखिए रॉ मटेरियल आपका क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इशू कर रहे हैं तो इशू कर रहे तो हमारा मटेरियल जा रहा है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट होगा, और कहाँ जाएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में जा रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे जा रहा है, उसको बोलते हैं वो अकाउंट कौन सा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो डेबिट हो गया है। तो स्टॉक ऑफ क्रेडिट रॉ मटेरियल क्रेडिट हो गया एंड आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इशू हो गया, इशू होने के बाद आपने फिर क्या किया इशू होने के बाद रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए जब रिसीव करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस लाइन क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपका FG स्टॉक अकाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो उसी को आप देखिए यहाँ पे आते हैं, यह आपका मोबाइल है, आप इसका जब देखेंगे जनरल एंट्री तो ये देखिए आपका क्या हो गया वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो गया और स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ठीक है,
ये आपका, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हमने एपीजी नहीं बना रखा है अकाउंट, तो स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बना, तो इसीलिए ये डेबिट हो गया, क्योंकि मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसका ग्रुप बना हुआ है स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एपीजी हमने सिर्फ वेयर हाउस बनाया है, तो ये हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। प्रोडक्शन में आपके क्या क्या अभी आपने देखा, बिल ऑफ मटेरियल देखा, फिर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया। प्रोडक्शन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, प्लान स्टेज होता है, प्लान स्टेज को फिर से क्या करना है, उसको अप्रूव करना है, रिलीज स्टेट में जाना है। जब रिलीज स्टेट में जाएगा फिर आप कहाँ जाएंगे, इशू फॉर द प्रोडक्शन। इशू फॉर द प्रोडक्शन में जो आइटम आपका मैनुअली होगा वो आइटम आप इशू करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे आएगा, जो आइटम आपका बैक फर्स्ट में होगा ऑटोमेटिकली आपका इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इशू हो जाने के बाद मटेरियल कहाँ चला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो आप वहां से रिसीप्ट कर लेंगे, उस पार्टिकुलर वेयर हाउस में आपका वो मटेरियल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन हो गया, जो आपका प्रोडक्शन साइकिल होता है वो यही होता है। अगर किसी को कोई एक रिपोर्ट बनाने में आ रहे हैं क्वेरी मैनेजर में, कैसे बनता है रिपोर्ट, इसको देखते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक छोटा सा रिपोर्ट बना रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि मुझे एक रिपोर्ट बनाने में इस बॉम की, जो बॉम ट्री होता है, बॉम जो बनता है, इसकी मुझे रिपोर्ट, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसे बॉम का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारा बॉम बना हुआ है, इस बॉम का रिपोर्ट बनाना है कि ये आइटम है, उसके ये RM है और ये सारे हमें दिखे, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट बनानी है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेबल पता होना चाहिए, देखिए ऊपर वाला क्या है, वो ITT, हम ये क्या होता है ITT 1 टेबल होता है, ये दो टेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ आएंगे, पुलिस में आएंगे, पुलिस में आने के बाद कहाँ जाएंगे, क्वेरी जनरेटर में जाएंगे, क्वेरी जनरेटर में हो रही, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से ओपनेंगे, सबसे पहला टेबल हमारा क्या है, OITT, डाल के आप टैब दीजिए, टैब करने के बाद वो टेबल, दूसरा टेबल क्या है ITT 1, यहाँ पे डालेंगे ITT 1। यदि आपको नहीं याद हो तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि सैन बिजनेस वन में जो बॉम के लिए टेबल जाता है दोनों टेबल का नाम क्या है, तो आपको ये दो टेबल आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपका इनर ज्वाइंट लग जाता है, जैसे आप दो टेबल उठाया दोनों में ज्वाइंट लग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स आइटम लेते हैं, तो उस पर डबल क्लिक किया, फादर नाम मिल गया, जो जो फील्ड हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फादर नाम मिल गया, इसमें आप देखेंगे तो पेरेंट्स आइटम मिला, तो दोनों एक ही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बम क्या है तो ये उठा लीजिए, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ यूनिट क्वांटिटी कितनी है तो ये उठाइए, ठीक है। क्रिएटेड डेट, डेट क्रिएटेड कब है, किस डेट में क्रिएट हुआ उसको उठा लीजिए, ठीक है। ट्रांसफर डेट टू वेयर हाउस, किस वेयर हाउस में फिनिश प्रोडक्ट के लिए कौन सा वेयर हाउस यूज होगा वो उठा लीजिए, तो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप इसमें आएंगे, इसमें देखिए आप पूरा के चाइल्ड नाम, चाइल्ड नाम नहीं चाहिए, हमें कोड चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, तो कौन कौन से RM आइटम यूज हुए तो हम इसको उसको सेलेक्ट करेंगे, कोड उठा लिया हमने, ठीक है, क्वान्टिटी उठा लिया, ये जा रहा है रो डिटेल वाला टेबल, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये क्वान्टिटी उठाने की मैंने था यही क्वान्टिटी का, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस आपने ले ही रखा है, करेंसी प्राइस लिस्ट इशू मेथड ले लीजिए आप, क्या है इशू मेथड, ठीक है। UAM आपका आएगा नहीं इसमें, तो UAM लेने की जरूरत नहीं है, इस कमिंग लॉजिस्टिक के पता, ये सारे करने के बाद आप यहाँ पे वेयर करेंगे। अब क्या करना है, हम जो बॉम्ब्स बना रहे हैं किसी पार्टिकुलर FB आइटम का होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका पेरेंट्स आइटम है उस पर हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पेरेंट्स आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे, कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन आ गया। अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें शुड बी इक्वल टू, ठीक है, एंड जिसमें इज इक्वल टू 0। अब ये जो आप लगाएंगे तो आपको एक कंडीशन लग गया, कंडीशन लगाने पर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या होगा, FG आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके सारे दिखेंगे, आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए, ये देखिए पेरेंट्स आइटम, आप टैप कीजिए, टैप करने पर जितने भी आपके FG आइटम के बॉम बने होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और चूज कर लिया, चूज करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये हमारा
एफसी आइटम आ गया। एफसी आइटम क्या है, ये सारे एफसी आइटम हैं, ठीक है, बॉन्ड टाइप, प्रोडक्शन का है, फी लिख के आ गया, कितने क्वान्टिटी लग रहे हैं ये लग रहे हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन हैं ये हैं, ठीक है, किस डेट में क्रिएट हुआ है, कितनी क्वान्टिटी आर एम की लगी है, ये सारे आपके इशू मेथड क्या है। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप और बटन के बाद आप रखना चाहते हैं कंपोनेंट्स, आप इसको सिंपली क्या करिए, यहाँ पे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आइए और जो जहाँ पे आप अरेंज करना चाहते हैं उसको अरेंज कर दीजिए, आपका उसी हिसाब से आएगा। जैसे कि ये हो गया टाइप थ्री बम हो गया, इसको हटाइए, इसको कोई जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। क्रिएटेड डेट हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद टू बॉन्ड्स, ये वेयर हाउस भी रिक्वायर्ड है, उसका भी कोड एंड क्वान्टिटी, कोड एंड क्वान्टिटी हम पहले रखते हैं, उसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया, उसको कॉपी कर लिया और डिलीट मार दिया, ठीक है, डिलीट मार दिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कहाँ टी टाइप के बाद हमने इसको डाल दिया, वहाँ पर डाल देना, ये हमने डाल दिया, ठीक है, के बाद अब इसको हम स्वीट किया, स्वीट करने के कारण आइटम आ गया, यहाँ पर हमने एफ जी उठा लिया, एफ जी सिलेक्ट करने के बाद ओके किया, ये उस पार्टिकुलर आइटम का ये एफ जी आइटम है, आप रोम क्या प्रोडक्शन रन है, कौन कौन से आर एम मटेरियल लग रहा है, वो मटेरियल है, उसकी कितनी क्वान्टिटी है, किस डेट में क्रिएट किया गया, ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पर जाएगा, थ्री बेरा इशू मेथड क्या है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आप टूरी मैनेजर में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसको सेव करना है तो सेव एज कर दीजिए, सेव एज करने के बाद आप आइए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी बॉम रिपोर्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे सेव करूँगा बॉम रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू करके उसको मैं सेव कर दूँगा, सेव। अभी किस में जाएगा तो जनरल में जाएगा, काफ़ी जनरल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव, जब आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया, अब आप चाहें तो इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आपका, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। और जब से चेक करना है क्यूरी मैनेजर में रिपोर्ट, आप यहाँ पे आएंगे, क्यूरी मैनेजर में जाइए, ठीक है, सॉरी क्यूरी जनरेटर क्लियर है, क्यूरी मैनेजर में क्यूरी, यहाँ पे आए क्यूरी मैनेजर में, उसके बाद इसको क्लिक किया, यहाँ आएंगे जनरल में आएंगे, जनरल में आने के बाद उनको चेक करेंगे कि ये हमने रिपोर्ट बनाया था, एक पहले रिपोर्ट ये बना रखा था हमने, ये रिपोर्ट पहले का है, इससे उसी तरह से है, यहाँ पर हमने थ्री आइटम सेलेक्ट किया, ये इधर और ये आपका रिपोर्ट ओपन, ठीक है, ये हमने पहले बना रखा था और ये अभी आपके जो बना के मैंने दिखाया था वो ये जो अभी बना था बॉन्ड टू, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये ठीक है, और ये आपका जिस तरह से चाहे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक रिपोर्ट मैंने इसी तरह से स्टॉक क्वांटिटी का बनाया है कि किस पार्टिकुलर आइटम या किस वेयरहाउस में स्टॉक है, आप यहाँ पे आएंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आइटम है जिसका अगर आपको स्टॉक देखना है यहाँ पे चूज करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, ये आपका ओके, देखिए इसमें सभी स्टॉक क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहे हैं, किसी आइटम का स्टॉक नहीं है, तो आप इसको कैंसिल करके फिर से आप चलें दूसरे आइटम का चेक करना है, फिर से आप इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कीजिए, आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको डाला, ओके किया, अभी दिखा देखिए इसके दो क्वान्टिटी है, किसमें क्यू सी वेयर हाउस में एंड एफ जी वेयर हाउस में, यहाँ पर क्वान्टिटी है, बाकी ऊपर सारे क्या हैं हमारे, तो इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये क्यूरी मैनेजर में सबसे सिंपल तरीका होता है रिपोर्ट बनाने का, और जनरली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है क्यूरी मैनेजर में रिपोर्ट बनाने का, आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज से मेरा नया सेशन, नया बैच ट्रेनिंग का स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे जिन्हें भी ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 5109741322, वेरी रिजनेबल फी पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज करें या व्हाट्सअप करें या कॉल करें, ओके, थैंक यू। जो जैसे कि जनरल ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, किसी यूजर को क्या ऑथराइजेशन देना है, किसको क्या ऑथराइजेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें बचा हुआ है, यूजर कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें कुछ बचे हुए हैं, तो वो हम देख लेंगे लास्ट में जो चीज़ें बचेगी, और फिर उसके बाद ऐसा हम लोग आगे प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन
क्या है प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होता है, ऑन द फ्लोर प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन साइकिल में होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल है क्या एक्चुअल में? बिल ऑफ मटेरियल होता है कि जैसे सपोज दैट आप कोई एफजी आइटम बनाने जा रहे हैं, तो उस एफजी आइटम के जितने भी आपके फिनिश गुड हैं, उन सभी का एक फाइनल जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके कुछ चाइल्ड आइटम्स होंगे। चाइल्ड्स मतलब कि सपोज दैट जैसे आप पेन बनाने जा रहे हैं, तो एक पेन के लिए क्या क्या हमें चाइल्ड आइटम हो जाएंगे? उसके रिफिल जो होते हैं वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, जो उसको कैप होते हैं वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, जो उसके बॉडी है वो चाइल्ड आइटम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आइटम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या कंप्लीट एक पेन बन जाएगा। आप मोबाइल बनाएंगे तो मोबाइल के केस में क्या हो जाएगा, जो उसका मदरबोर्ड है वो आपका चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका उसमें आपका स्क्रीन है वो चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका बॉडी है वो चाइल्ड आइटम हो गया, जो उसका कीपैड है वो चाइल्ड। तो ये सारे चीजों को जब हम असेंबल कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज मोबाइल। अब रही बात कि जो भी प्रोडक्ट फाइनल एफजी प्रोडक्ट जो फिनिश गुड बनता है, उसके सेमी फिनिश गुड भी होते हैं। जैसे हमने मोबाइल का बात किया, तो मोबाइल के केस में जब मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में कई सारे चीज़ लगे होते हैं, उसमें आईसी लगे होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और उसके बाद उसमें आपके जो रैम की बात कर रहे हैं वो रैम लगे होते हैं। तो कई सारे आइटम मिलने के बाद वो आपका क्या बनता है, मदरबोर्ड बनता है। तो मदरबोर्ड क्या हो जाएगा मोबाइल का, वो उसका SFG हो जाएगा, मतलब सेमी फिनिश गुड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी आइटम को बनाने जा रहे हैं तो उसके चाइल्ड आइटम या आपका SFG आइटम वो होने चाहिए। अब मैं जरा सा आपको पहले ऐसे मैनुअली समझाता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा इस पे। मैं PPT खोल लेता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। PPT है नहीं, मैं आपको मानी उस पर बना के बताऊंगा कि क्या होता है इसे। जैसे देखिए, सपोज दैट हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी आइटम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सपोज दैट कि मोबाइल, एक हमें मोबाइल बनानी है, ठीक है। तो ये मोबाइल क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा FG आइटम, फाइनल फिनिश गुड जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, FG मतलब कि फिनिश गुड। अब इस मोबाइल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो जो भी आइटम हमें चाहिए इस मोबाइल को बनाने के लिए, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, या तो SFG होंगे या फिर क्या होगा, चाइल्ड आइटम होगा। तो वो सारे क्या क्या हो सकते हैं तो उसको देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए हमारे पास जो आइटम होने चाहिए वो होने चाहिए, एक तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए। तो मदरबोर्ड, हम इसका मदरबोर्ड ले लेते हैं, तो आप फर्स्ट जो हो गया वो हो गया इसका मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका मदरबोर्ड। ये इसका एक आइटम, एक जो आएगा मदरबोर्ड आएगा, ठीक है। मदरबोर्ड के अलावा और क्या आएगा इसमें, मदरबोर्ड के अलावा इसका बॉडी आ जाएगा, बॉडी जो अपर वाला जो पार्ट होता है बॉडी हो जाएगा। बॉडी के अलावा और क्या लगेगा, बॉडी के अलावा इसके इसके बैटरी चाहिए हमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बैटरी। बैटरी के अलावा और क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, तो टच पैड जिसको बोलते हैं स्क्रीन, वो चाहिए हमें। इसके बाद अब इस मदरबोर्ड में क्या क्या हो सकता है, ये मदरबोर्ड जो है ये अकेला नहीं होता, इसके साथ कई होंगे।
जैसे आप एफजी के साथ देखें, 1 2 3 4 हमने एग्जांपल लिया, उसी तरह मदरबोर्ड के साथ क्या होंगे, मदरबोर्ड के साथ आपके आएंगे रैम हो जाएंगे इसके, रैम हो गए। उसके बाद क्या होंगे इसमें, रैम के बाद इसके सीपीयू होंगे, उसके बाद और क्या होंगे इसके, इसके आईसी होंगे, जो भी चीजें होंगी इसमें आप उस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर लीजिए। तो ये क्या, एक तरह से अगर देखा जाए तो मदरबोर्ड एक ऑलरेडी एक एफजी आइटम, उसके चाइल्ड आइटम ये तीन है, सीपीयू, रैम और आपका आईसी। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं आईसी, ये क्या है, ये ऑलरेडी, ये तो इसको क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी मोबाइल में यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एफजी होते हुए भी हम इसको क्या बोलते हैं, एसएफजी, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बन तो रहा है उसी तरह से लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो मोबाइल है इसको, इसके मदरबोर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, हम लोग इसको यूज करते हैं एसएफजी, इसको क्या बोलते हैं एसएफजी, मतलब सेमी फिनिश गुड, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं एसएफजी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है एसएफजी। तो इस तरह से ये जो जितने भी आइटम आपने देखा, जो पहले ये तैयार होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बॉम, और ऐसे फुल नेम क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल ये बताता है कि एक पार्टिकुलर आइटम को बनने के लिए कौन कौन सा आइटम हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बैटरी, बॉडी, टचपैड, ये सब क्या है, चाइल्ड आइटम आ गया, जिसको आरएम बोलते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल। ये मदरबोर्ड क्या हो गया, मोबाइल के लिए एसएफजी हो गया, सेमी फिनिश गुड है, जो इसमें लगेगा तब जाके ये फिनिश गुड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉम बनाते हैं कि एक पार्टिकुलर आइटम, सपोज दैट कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक चेयर बना रहा है, तो चेयर बनाने के लिए उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड कोई बना रहा है आपका, सपोज दैट कि आपके घर में कोई आपके जैसे कि एग्जॉस्ट फैन लग रहा है, ठीक है, तो उस एग्जॉस्ट फैन को बनाने में क्या क्या सामान चाहिए, तो वो एक पहले डेवलपमेंट टीम ने तैयार कर लिया कि भाई एक एग्जॉस्ट फैन को बनाने के लिए हमें ये चीजें, मोटर चाहिए, उसकी वायरिंग चाहिए, उसके बाद आपको ये फैन चाहिए, तो वो सारे चीजें इस तरह से बना लिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा बॉम कहलाता है, दैट इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा बॉम होता है। तो वैसे ही क्या होता है, सिस्टम में बनता है, जब हम सैप में आते हैं तो सैप में भी क्या होगा, बॉम बनेगा। अब जरा सा देखिए कि बॉम हमने इसमें मोबाइल का ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए आपको मोबाइल समझाया हमने। तो इसमें देखते हैं, ये है मोबाइल, देखिए, अच्छा इसमें बना हुआ नहीं है, एक मिनट रुकिए, नहीं है तो फिर बनाएंगे हम, ये है, ये क्या है, सोलर ऑफ ग्रिड, अच्छा ट्रांसफार्मर है ये स्ट्रक्चर, कोई नहीं, हम मोबाइल का अभी बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं मोबाइल का, बनाते हैं बॉम। तो हमने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, मोबाइल है, तो हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ले लेंगे मोबाइल, ये हमारा मोबाइल हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके चाइल्ड आइटम क्या क्या है, तो चाइल्ड आइटम सबसे पहले इसमें है, ये जो आइटम आप देख रहे हैं इसमें क्या है, बैटरी है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये आइटम मास्टर में बना हुआ है कि नहीं, बैटरी है या नहीं, तो अगर नहीं होगा तो फिर हमें आइटम मास्टर में बनाना होगा बैटरी, बैटरी है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे जो आइटम हमने वहां पे बनाया देखा है उसको बना लेते हैं किसमें, आइटम मास्टर में चल के बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे बॉम, ठीक है। तो अभी इसको मिनिमाइज करते हैं, हम चलते हैं कहां पे, आइटम मास्टर में आ जाते हैं।
तो आइटम मास्टर में चल के जो हमने अभी आपको पीपीटी पे बताया है उसी आइटम को हम यहाँ पे बनाएंगे, एक एक करके सबको बना लेते हैं, फिर हम उसके बाद बम बनाएंगे। तो ये हो गया, हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं बैटरी। बैटरी या मोबाइल बैटरी लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सोलर का है इसमें, मोबाइल बैटरी, ये हो गया। ठीक है, अभी आइटम ग्रुप इसमें बना रखा है हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लिया। ठीक है, उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स जीएसटी आइटम होगा तो जीएसटी ले लिया। इसके एचएसएन कोड क्या होंगे वो उठा लेते हैं हम यहाँ से, बैटरी का यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये बैटरी के अंदर में आ गया। ठीक है, उसके बाद टैक्स कैटेगरी क्या है, रेगुलर है, ये हमने कर दिया। अब इसकी परचेजिंग यूनिट क्या होगी तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये क्या होगा, नंबर्स में होंगे तो NOS डाल देते हैं। अब ये क्या है, प्रिफर्ड सप्लायर, अगर किसी पार्टिकुलर सप्लायर से ही ये सामान आता है तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई यही सप्लायर जो है हमें देता है, अगर नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए प्रिफर्ड सप्लायर को। अच्छा, आइटम पर परचेज यूनिट कितना है, 1 है। पैकेजिंग यूनिट में क्या है, यूनिट नेम क्या है, तो नंबर्स में ही है, ठीक है, जिसमें आ रहा है, और कितनी है, 1 ही है, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेल्स में क्या होगा, सेल्स में भी सेम ही है, ये क्या है आपका, नंबर्स में ही जाएगा जाएगा ये, और ये भी यूनिट क्या होगा, पैकेजिंग यूनिट भी जो क्या होगा, नंबर में सिंगल में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी किस में रखेंगे आप, ये भी नंबर्स में ही होगा, नंबर्स में। और बैटरी का वेट कितना होगा, तो 0.105 कर देते हैं, मतलब ये ग्राम में है, ठीक है, इतना। तो ये हो गया, अब आते हैं हम लोग किस पे, प्लानिंग डेटा। अब प्लानिंग डेटा बोल रहा है, ये बाई कर रहे हैं बैटरी, क्योंकि हम बना रहे नहीं रहे हैं, तो हम प्लानिंग में से नन करेंगे और बाई करेंगे। अगर ये एमआरपी इसको चलाना है तो हम नन के जगह पर यहाँ पे क्या करते हैं, एमआरपी करते हैं, जो आगे आपको एमआरपी कराएंगे उसके लिए। ऑर्डर इंटरवल की क्या डेट रखने हैं, कितना दिन में वीकली आपको करना है, तो वीकली अगर कोई नया डेट 5 दिन 10 दिन डिफाइन करना है तो कर लीजिए, तो वो है उसके लिए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर कुछ मेंटेन करना है तो वो कर लीजिए। प्रोडक्शन डेटा में आएंगे कि ये मैनुअल है या ब्लैक फर्स्ट है। मैनुअल के केस में क्या होता है कि ये आइटम जब आप प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, मैनुअल अगर रखते हैं तो प्रोडक्शन के लिए इशू मेथड के लिए जाएगा, इशू होगा, नहीं अगर बैक प्लस में रखेंगे तो इशू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आपका आइटम प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो हमने इसको मैनुअल कर दिया, बाकी इधर कुछ नहीं है, रिमार्क वगैरह है, ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका इन्वेंटरी आइटम भी है, सेल्स आइटम भी है, और परचेज आइटम भी है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करें, अगर आपका सेल्स आइटम नहीं है तो आप इसको सेल्स आइटम को अनचेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका आइटम तैयार हो गया, बैटरी बन गया। दूसरा क्या था आपका, बैटरी के बाद था आपका बॉडी टच पैड, तो उसी को बनाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये हमने ऑटो कोड ले रखा है, ये ऑटो कोड चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये आ गया आपका, अब हम ये यहाँ पे 1 था, अब 2 आ गया। अब हम डालते हैं क्या था हमारा, बॉडी, ये बॉडी ले लिया, बॉडी मोबाइल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्राइस लिस्ट, लास्ट परचेज प्राइस, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी, आइटम्स का एचएसएन कोड। अब ये इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसमें से नहीं है, नया है, तो न्यू पे आके आप एचएसएन कोड डिफाइन कर सकते हो, मैंने मोबाइल में ही डाल दिया इसको, तो इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसको परचेज डाटा, इसको डाल देते हैं एनओएस, सेल्स डाटा, ये सेल्स आइटम नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन का आइटम है, ये स्टॉक में रहेगा, इसको हम एनओएस कर देते हैं। वेट कितना होगा, तो 0.010 इतना ग्राम। ठीक है, प्लानिंग मेथड बाई ही है, ये चलेगा। प्रोडक्शन में मैनुअल रखेंगे, जो भी हम इशू मेथड इन्वेंट्री से करेंगे उसको मैनुअल रखेंगे, तभी वो आपका स्टॉक अकाउंट को हीट करेगा, अदरवाइज ये स्टॉक अकाउंट को हीट नहीं करेगा बैक प्लस के केस में, तो इसीलिए आपको ये रखना है। ये हमारा बन गया, बॉडी बन गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका टच पैड,
एंड मदरबोर्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। मोबाइल टचपैड, जैसे उसमें यूनिट रखा था, क्योंकि ये भी नंबर में ही जाएगा। वेट डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। परचेज, परचेज भी हम नंबर में ही करेंगे, इनवॉइस 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका ये आइटम बन जाएगा। ये हो गया, अब बनेगा मदरबोर्ड। अब यहाँ पे आइटम में जो हम SFG के कैटेगरी में डालेंगे, तो यहाँ बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे बनाएंगे आइटम, आइटम ग्रुप SFG, ठीक है। सेमी फिनिश्ड भी आप लिख सकते हैं, तो सेमी सेमी फिनिश्ड ग्रुप। मैनुअल कर दीजिए। प्लानिंग मेथड, हाँ जी प्लानिंग मेथड इसमें चलेगा, MRP चलेगा, ठीक है। भाई है नहीं, ये मेक बनाएंगे। सेमी फिनिश्ड फ्रॉम द बिल ऑफ मटेरियल से ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी बॉम बनेगा। ऑर्डर इंटरवल ये सब आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। इसके वैल्यूएशन मेथड मूविंग एवरेज है, बताया था आप लोगों को कि वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, तीन बताया था, मूविंग एवरेज, फीफो एंड आपको बताया था स्टैंडर्ड, ये तीन मैंने बताए थे, ठीक है। ये कर लेंगे इसमें, ये हमारा सेमी फिनिश ग्रुप बन गया। उसके बाद UAM मैनुअल है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए इसमें कि नंबर्स में ही जाएगा ये, तो नंबर्स जनरल में आ जाइए। जनरल में आने के बाद GST जरूर ओपन कीजिए इसको, मैनेज आइटम बाय बैच बाई, अगर बैच नंबर से करना है क्योंकि SFG आइटम है, एवरी ट्रांजेक्शन पे हम करेंगे। ये क्या है आपका बिन लोकेशन, नहीं सीरियल एंड बैच, ये कर दिया। उसके बाद HSN कोड ले लेंगे इसका, SFG का जो आप मदरबोर्ड बनाए वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा नहीं है तो हम इसका CPU यहाँ पे दे रखा है, CPU का मोबाइल CPU, सोलर बैटरी, मोबाइल रैम, स्कीम, बॉडी, बॉडी बॉडी, फैन, अर्थिंग, सोलर बॉक्स नहीं दे रखा, तो हम कोई इसमें से उठा लेते हैं, अदरवाइज आप सर्च करके गूगल में डाल लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी जो है मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आपका ये सेल्स आइटम नहीं है तो हम सेल्स को अनचेक कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका नंबर्स में ही आएगा, तो ये नंबर्स हो गया है। वेट कितना होगा, तो 0.15, ठीक है, इतना ग्राम, यस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्लानिंग मेथड, ऑब्वियस ये तो हो गया था, अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा SFG बन गया, ठीक है। अब SFG के चार आइटम कौन कौन है, CPU, RAM एंड ICU, तो ये भी बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे यहाँ पे मोबाइल CPU, ये बना होगा मेरे ख्याल से, तभी आपका ये ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो हम इसको लेते हैं मोबाइल CPU, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा, ठीक है। ये आपका जनरल में, GST यहाँ पे आप उठा लीजिए इसका HSN कोड, CPU यहाँ पे था, मोबाइल CPU ये है, इसको हमने लिया, ठीक है। परचेज इसको किस में, ये परचेज नहीं है, हाँ परचेज है, तो इसको हम नंबर्स में करेंगे। फिर उसके बाद ये सेल्स नहीं है तो सेल्स को हटा लेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हाजी कर रहे हैं हम, तो ये नंबर्स में होंगे। इसके वेट जो भी डालना है डालिए, नहीं डालना है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये नहीं है, प्रोडक्शन के लिए जब यूज होगा तो मैनुअली होगा। अच्छा, मैं कुछ आइटम को ब्लैक फ्लश में भी रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारे मैंने मैनुअल कर दिए हैं, अब एक दो आइटम जो है मैं बैक फ्लश में रखूंगा, उससे क्या होगा आपको क्लियर पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है बैक फ्लश। इसको ऐड कर दिया, अब हम आ गए
इस पे रैम पे और आईसी पे। तो अब हम रैम बना लेते हैं इसका, मोबाइल रैम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये कर दिया हमने। इसको हम बैक प्लस में रखते हैं मोबाइल के रैम को, तो देखिएगा कि क्या होगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्लानिंग एमआरपी चलेगा, हाँ एमआरपी चल सकता है इसमें, तो इसको कर दिया हमने। उसके बाद यूओएम नंबर्स में ठीक है, सेल्स सेल्स तो ये है नहीं, हम सिर्फ परचेज करेंगे इसको क्योंकि चाइल्ड आइटम है तो सेल्स नहीं होगा। परचेज में हम डाल लेंगे एनओएस, इसका नंबर में ही जाएगा रैम ठीक है। अब इसके बाद प्लानिंग मेथड में हमने डाल दिया था ऑर्डर इंटरवल, आप डालना चाहते तो डाल दीजिए वीकली। ऑर्डर मल्टीपल्स ऑफ, कितना का मल्टीपल्स होने चाहिए वीकली, तो हम इसमें डाल देते हैं कि अगर 10 हम ऑर्डर करेंगे 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 50 होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने होने चाहिए 10 ठीक है। लीड टाइम वे एक हफ्ता का दिया है तो लीड टाइम 7 डे, टोलरेंस कितना है 2। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे, ये हमारा आइटम बन गया। तो ये हो गया हमारा रैम हो गया था, अब आईसी बच गया, ये हो गया हमारा आईसी, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कर दिया इसको ठीक है। यहाँ पे ये हमने जीएसटी ले लिया इसका, मोबाइल आईसी देखिए इसमें दे रखा होगा, सीपीयू हो गया, मोबाइल रैम हो गया, मोबाइल आईसी, चलिए इसी सीपीयू के कैटेगरी में डाल देते हैं इसको। स्क्रीन भी है इसका, वो स्क्रीन साइड बनाया हमने। तो इस तरह से हम सारे आइटम पहले बना लेंगे जितने भी आइटम है। ये हो गया हमारा नंबर्स में ठीक है, सेल्स आइटम ये है नहीं। उसके बाद ये स्टॉक का आइटम है तो स्टॉक हम कर लेंगे नंबर्स में, ये हो गया स्टॉक। वेट कितना है नहीं डाल रहे हम कुछ भी, जो आपको अगर रहेगा वेट तो पता तो डाल दीजिएगा। ये एमआरपी, हाँ जी एमआरपी चलेगा ठीक है। प्रोडक्शन इसको भी बैक प्लस में रख देते हैं। तो इस तरह से आपके सारे आइटम बन गए, जो नहीं बने हैं उसको छोड़ देंगे, इस तरह से हम कर लेते हैं। आपको बनाना है सारा बना के एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने मोबाइल में क्या क्या लग रहा है तो सारे आइटम को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोबाइल बैटरी लगेगा, चाइल्ड आइटम है। उसके बाद मोबाइल का बॉडी लगेगा, मोबाइल का टच पैड लगेगा ठीक है। अब ये आपको नहीं लेना है सीपीयू और ये नहीं, सिर्फ मदरबोर्ड लेना है क्योंकि मदरबोर्ड का पार्ट है ये 3, तो उसका अलग से बनेगा आपका बॉम। तो ये आपने कर लिया। अब रही बात कि प्लान एवरेज प्रोडक्शन साइज, तो एक को बनाने के लिए कितने क्वांटिटी चाहिए। अब ये सी बात है, मोबाइल बैटरी एक चाहिए, मोबाइल का बॉडी एक ही चाहिए, टच पैड एक ही चाहिए, मोबाइल मदरबोर्ड एक ही चाहिए। अगर सपोज दैट कोई ऐसा इसमें क्वांटिटी होता जो 2 लग रहे हो तो हम यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर देंगे ठीक है। कहाँ से आएगा, ये आपका आरएम वेयर हाउस है, मतलब रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, उससे आएगा ठीक है। प्राइस का क्या इफेक्ट है, अगर प्राइस 1 रखना है तो रखिए, लास्ट परचेज प्राइस आप सब में अपडेट कर दीजिए, या आइटम पे आप अपडेट रखेंगे तो लास्ट परचेज प्राइस ही लेके आएगा, मतलब कि जितना आपने खरीदा था उस हिसाब से वो प्राइस उठा के लाएगा। आप चेंज करने को कर सकते हैं, ऑटो ही उठा के लाएगा। अब इसको करने के बाद अभी हमारे पास SFG है नहीं, SFG बनाना पड़ेगा, लेकिन आपका ये बॉम्ब कंप्लीट हो जाएगा कि एक आपको मोबाइल बनाने के लिए ये सारे इतने आइटम एक एक रिक्वायर्ड है, आपने प्री डिफाइंड कर दिया इतना ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे हमारा ये क्वांटिटी बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं, ये हमारा बॉम्ब बन गया। अब अभी बॉम्ब तो बना है लेकिन हमने SFG अभी नहीं बनाया है, मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का भी उसी तरह से बॉम्ब बनेगा। तो मदरबोर्ड यहाँ पे SFG जो है ये अब इसके लिए FG आइटम हो गया। अब इसके बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए CPU चाहिए, RAM चाहिए, IC चाहिए ठीक है। तो जितने हैं ये सबको सिलेक्ट कर लिया। अब कितने क्वांटिटी एक को बनाने के लिए है, एक आपको ये क्या आ गया, ये कुछ और आ गया, इसको हटा देते हैं, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। मोबाइल CPU आपको सेंटर एक चाहिए, RAM आपका एक ही चाहिए, IC आपको 2 चाहिए सपोज, तो आप यहाँ पे एक को बनाने के लिए 2 कर दिया ठीक है। इसको करने के बाद आप जब ऐड करेंगे तो ये आपका SFG बन गया।
ये कंप्लीट हो गया। अब आएंगे ये, अभी हमने क्या किया, अभी हमने बॉम्ब बनाया, बिल ऑफ मटेरियल बनाया कि किसी भी पार्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब बिल ऑफ मटेरियल जब बन गया तब अब बनाएंगे हम प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर का स्क्रीन जब खोलेंगे तो वो ऐसे आएगा, प्रोडक्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे मोबाइल बना रहे हैं, तो चार नंबर पे ये मोबाइल क्वांटिटी बना रहे हैं, तो हमने उसको सिलेक्ट कर, जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया जो बॉम्ब बनाया था, ये देखिए अपने आप यहाँ पे सारे क्वांटिटी लेके आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो सपोज दैट मैंने इसको 100 प्रोडक्शन करनी है, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, देखिए प्लांट क्वांटिटी अपने आप 100 से मल्टीप्लाई होके आ गया, कि 100 हमको मोबाइल बैटरी चाहिए, 100 आपको मोबाइल का बॉडी चाहिए, 100 टचपैड चाहिए, 100 मदरबोर्ड चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज दैट बेस क्वांटिटी में कोई भी अगर दो रहता तो यहाँ पे दो बन गया, ठीक है। तो ये चाहिए हमें। अब इसको बनाने के लिए आपको ये बनानी है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो आप बनाना है सेल्स ऑर्डर से भी लिंकअप कर रहे हैं। सपोज दैट कहीं से आपको ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के बेस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस सेल्स ऑर्डर के साथ भी आप इसको लिंकअप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, सेल्स ऑर्डर जो बना होगा उससे प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर से ही आपको रखना है तो प्रोडक्शन ऑर्डर को ही आप लिंकअप बना सकते हैं। लिंकअप ऑर्डर आप जो चाहें, प्रोडक्शन ऑर्डर, परचेज ऑर्डर जो भी आपकी है उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंकअप रखने के लिए अलग से, कोई कस्टमर पार्टिकुलर जिसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको रख सकते हैं, कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको रख सकते हैं। तो ये सारे लिंकअप बनाने के लिए है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको एड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन ऑर्डर, यहाँ पे कुछ रिमार्क आपको डालना है तो डाल सकते हैं, यहाँ पे जब एड करेंगे तो ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया। अब प्रोडक्शन ऑर्डर बनने के बाद, अभी सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर बना है, बनने के बाद क्या होगा, हायर अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगा कि ये ऑर्डर जो बना है सही बना है या नहीं बना है। यदि आप ही बना रहे हैं, आप ही हायर अथॉरिटी है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट पर्चे पे जाएंगे, यहाँ जो प्लांट है इसको आप रिलीज करेंगे, जो हायर अथॉरिटी होगा वो इसको रिलीज करेगा, जैसे इस पे आएगा और बस इसको अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट किया अब ये रिलीज हो गया, रिलीज हुआ अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम इस प्रोडक्शन ऑर्डर को मिनिमाइज करेंगे, जो गुड्स इशू करता होगा प्रोडक्शन के लिए वो आएगा यहाँ पे, जो बंदा वेयर हाउस में बैठा होगा वो ओपन करेगा यहाँ पे और वो देखेगा कि जो प्रोडक्शन के लिए कुछ इशू के लिए रिक्वेस्ट आया है नहीं आया है, वो जाएगा यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर पे। यहाँ पर जब आएगा तो वो देखेगा कि आज के डेट में ये हमें प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए गुड्स इशू के लिए रिक्वेस्ट आ रखा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर ये। अब वो जैसे ही यहाँ से चूज करेगा तो ये सारे आइटम दिखाएंगे कि भाई इतने आइटम चाहिए, क्वांटिटी जीरो लिखा था, अच्छा वेयर हाउस में नहीं है ना, इस वेयर हाउस में क्वांटिटी है नहीं, तो हमें सबको वो करना पड़ेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी वेयर हाउस से इशू तो तभी होगा जब उस वेयर हाउस में इन्वेंट्री होगा, क्वांटिटी होगी, तो हमारे पास क्वांटिटी है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को या तो परचेज के थ्रू गुड्स डिलीवरी से हमें गुड्स MRN के GRPO के थ्रू हमें लेना होगा तो हम वहां से ले लेते हैं, या फिर आप क्या करेंगे गुड्स रिसीव का जो इन्वेंट्री में था वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएंगे, जो आइटम है पहले हम उसको क्या करेंगे इन्वेंट्री में उसको लेंगे, यानी कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, तो पहले हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, यहाँ पे गुड्स इशू गुड्स रिसीव। अब यहाँ पे वो सारे आइटम जो हम सब की पहले इन्वेंटरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए इन सबको इशू, मोबाइल बैटरी तो बनेगा प्रोडक्शन से, बाकी हमें मोबाइल बॉडी चाहिए होगा, टचपैड चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, CPU चाहिए, RAM चाहिए, IC चाहिए, मदरबोर्ड भी तो बनेगा, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड को छोड़ के आप ले लीजिए, तो मोबाइल हमें चाहिए, मोबाइल टचपैड चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, मोबाइल CPU चाहिए, मोबाइल RAM चाहिए और ये चाहिए। अब हम इसको चूज कर लेते हैं, अब इसको हम कर देते हैं सबको 500 इशू लेते हैं, बोले कि आप ऐसे ही डाल रहे हैं, हम ऐसे अभी डाल रहे हैं आपको साइकिल चलाने के लिए। एक्चुअल में क्या होगा, ये सारा आइटम परचेज जो टीम है, परचेज टीम परचेज करके इन्वेंट्री में मेंटेन करेगी, इसको
हमें करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी जो अभी आप इन्वेंट्री में देख रहे थे वो इन्वेंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अभी तो हमारे पास साइकिल चलाना, इसीलिए मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ। ये काम किसका था? परचेज टीम का है। परचेज साइकिल जो चलाया था हमने उसका काम था, तो हमारे पास वो स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक मेंटेन करने के विदाउट स्टॉक का साइकिल चलेगा नहीं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। ये हमने लिया उसी वेयर हाउस में, जो आर एम वेयर हाउस था उसी में हमने इसको ले लिया। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है। तो ये जनरल एंट्री है, स्टॉक डिफरेंस गेन इतना हो गया, स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का है ये, तो ये सारे क्या होंगे, डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं तो ये डेबिट हो रहा है। अब इसको एड करेंगे तो हमारा सारा का सारा आइटम क्या हो जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा। अब हमारा स्टॉक क्वांटिटी दिखाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन इशू पे, तो प्रोडक्शन इशू पे आए। ठीक है, अब इसी को फिर से क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं, फिर से हम प्रोडक्शन इशू को खोल लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमें क्या करेगा, जितने भी आइटम्स थे अब 500 क्वांटिटी दिखाएगा। यहाँ पे आगे प्रोडक्शन पे आए, प्रोडक्शन पे आने के बाद ये प्रोडक्शन ऑर्डर आज बनाया था, इसको चूज कर लिया। चूज करने के बाद ये देखिए, ये हमारा क्वांटिटी दिखा नहीं रहा है, अच्छा देखते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा इशू करना है, सारे आइटम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन सारे आइटम को हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे ये सारा आइटम है, इन स्टॉक ये नहीं दिखा रहा है, ये आइटम, ये कौन सा है, मोबाइल बैटरी, इन स्टॉक में ये है मोबाइल बैटरी, कौन से वेयर हाउस में चला गया देखे, इसको चेक करते हैं ये कहाँ गया। जब तक इसमें स्टॉक में रहेगा नहीं ये इशू करने नहीं देगा, तो ये एरर आता है, ये ध्यान दीजिएगा कि क्या है। अभी हमने 500 क्वांटिटी लिया था, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हम स्टॉक डेटा में आए और देखते हैं कि ये 500 जो हमने लिया था वो कहाँ चला गया। तो ये पहले से कमिटेड है, क्यों हमने अभी लिया तो था मोबाइल बैटरी, कोई दूसरा ले लिया क्या, मोबाइल बैटरी यही तो है, एफपीजी आरएमबीआर हाउस ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें, नेगेटिव क्वांटिटी दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा ये आइटम है, ये है मोबाइल मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड तो अभी मैन्युफैक्चरिंग होगा, मदरबोर्ड तो मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं है, लेकिन मोबाइल बैटरी क्यों नहीं, मोबाइल बैटरी तो हमने लिया था गुड्स रिसीव में अभी। देखते हैं इसका क्या सीन है, या तो फिर छूट गया होगा गुड रिसीव, हमने जो रिसीव किया था ये था मोबाइल बॉडी। अच्छा, बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी नहीं है तो हमें बैटरी लेनी पड़ेगी, तो बैटरी लेने के लिए हमें बैटरी को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मोबाइल बैटरी। अच्छा, मोबाइल बैटरी यहाँ, इसको ले लेते हैं हम 500। ठीक है, 50 रुपीज के हिसाब से ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे आरएम वेयर हाउस में, ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया, अब आप आ जाइए प्रोडक्शन इशू पे। अब इशू पे आए हैं तो ये जो क्वांटिटी है आपका मोबाइल बैटरी तो आ गया, इसको फिर से हमें इशू करना पड़ा, लेकिन अभी आपके पास मदरबोर्ड नहीं आया, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें उस केस में, पहले मदरबोर्ड को हमें सेमी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो जो SFG है। तो अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ मोबाइल मदरबोर्ड को, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले ये तीन प्रोडक्ट लेता हूँ, ये वाले जो हमारे स्टॉक में है। तो ये हमारा कहाँ चला, इशू फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑर्डर, ये है आपका प्रोडक्शन ऑर्डर, ये हमने चूज किया। उसके बाद हम आ गए मदरबोर्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि मदरबोर्ड हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है अभी, फिर उसके बाद वो आएगा स्टॉक में, फिर उसके बाद ये लेंगे, फिर ये, और इसको भी ले ही लेते हैं हम, उसके बाद मदरबोर्ड का प्रोडक्शन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 500 क्वांटिटी अभी इसका नहीं है मदरबोर्ड का। अब इसको हम अभी मिनिमाइज करते हैं, और नहीं तो आप मदरबोर्ड को हटा दीजिए, बाकी को आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया, लेकिन ये प्रोडक्शन चलने नहीं देगा, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा तब तक प्रोडक्शन होगा नहीं। आप एड करेंगे तो ये क्वांटिटी आपका इशू हो गया, वेयर हाउस वाले ने क्या किया, इशू कर दिया। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, अभी बचा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का हमने क्या किया था, अभी बिल ऑफ मटेरियल बना लिया था,
आपको याद होगा हमने ये ट्रांसफार्मर, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर, ये था ना मोबाइल, और मोबाइल के बाद था मोबाइल से ये मदरबोर्ड हमने बनाया नहीं है, तो मदरबोर्ड का मदरबोर्ड बनाया तो था अभी बिल ऑफ मटेरियल। एक मिनट, ये हो गया हमारा मोबाइल मदरबोर्ड फर्स्ट में ही है, तो ये हमने बना रखा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब इसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं इसका, पहले इसका प्रोडक्शन करेंगे तब हम करेंगे मोबाइल का। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये अब कितनी बनाना है, ऑब्वियस सी बात है 100 मोबाइल के लिए 100 मदरबोर्ड चाहिए, तो 100 हमने कर दिया। ये देखिए, ये 2 क्वांटिटी चाहिए था, 200 ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर बनने के बाद ये अभी प्लान हुआ है, प्लान होने के बाद क्या करना है, इसको रिलीज करेगा हायर अथॉरिटी। तो हम इसको जा रहे हैं, इसको प्लान को रिलीज कर दिया, ये रिलीज हो गया। इसको जब अपडेट करेंगे ये रिलीज हो गया। अगर आप प्लान पे छोड़ देंगे तब आप इशू फॉर द प्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको इशू कर वो करना है, रिलीज करना है। अब इशू में आएंगे तो ये दिखाएगा, ये आपको, ये देखिए ये मदरबोर्ड आ गया नीचे वाला, इसको हमने चूज किया, ये है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें दो आइटम को हमने बैक फ्लश रखा था, याद होगा आपको कि रैम को रखा था और क्या था, आईसीयू था। यहाँ पे देखिए मोबाइल सीपीयू, ये मैनुअल में था, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी इशू के लिए आया नहीं, वो ऑटोमेटिकली इशू हो गया। आपको इशू करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो बैक फ्लश में था तो वो इशू में चला गया। सिर्फ आपको इसको इशू, क्योंकि मैनुअली आपने रखा था इसीलिए यहाँ पे इशू में आना पड़ा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब कितने चाहिए, 100 क्वांटिटी 500 है, तो हमने इसको एड कर दिया, ये हमारा इशू हो गया। अब हमें क्या करना है, अब प्रोडक्शन है, पहले बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑर्डर, इशू फॉर द प्रोडक्शन, अब क्या करेंगे, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लाइन में गया, प्रोडक्शन डब्ल्यू आई पी में वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है। अब जब डब्ल्यू आई पी में चला गया मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में हो रहा है, जब बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो उससे क्या करें, हम यहाँ आएंगे प्रोडक्शन ऑर्डर पे आएंगे, और ये जो आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मदरबोर्ड को रिसीव करते हैं। तो ये मदरबोर्ड हमने सेलेक्ट किया, और कितने 100 मदरबोर्ड बन रहे हैं, ठीक है। इसकी यूनिट प्राइस, ये लास्ट परचेज प्राइस से उठ के आया, कहाँ से आया, ये जो आपके इसके चाइल्ड आइटम थे उससे ये बन के आया है इसकी प्राइस, कि कितना का आपका सीपीयू था, कितना का आपका आईसी था, कितना का आपका आरएम था, तीनों के प्राइस को एड करके ये अपने आप उठा के लाया उसकी, कि एक मदरबोर्ड को बनने में इतनी आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज एड कर दीजिए। अब इसको ये देखना है किस वेयर हाउस में जाना है, तो आरएम वेयर हाउस में जाना है, ऑब्वियस सी बात है एसएफजी है, या फिर आप अदर से कोई वेयर हाउस बनाना चाहते हैं अलग से एसएफजी वेयर हाउस, ये है आपके एसएफजी, तो एसएफजी वेयर हाउस में आप इसको डाल दीजिए, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि भाई एसएफजी में हमें लेना है। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका, अब ये बैचेबल आइटम है, याद होगा आपको मैंने इसको बैचेबल आइटम किया था, तो ये बोल रहा है कि आप रिसीव करें तो उसका बैच डिफाइन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, बैच डिफाइन करने के यहाँ पे यू कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इसको डिफाइन करेंगे कि बैच क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका बैच जो एसएफजी है, तो एसएफजी, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं स्ट्रिंग चला देता हूँ 121, और इसको बोल देता हूँ नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर में रहेगा और ये नंबर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो इस तरह से हमारा एसएफजी 101 बन जाए। अब और कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो सीवी 021, इस तरह से हमने डिफाइन, और कुछ है तो इस तरह से नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका बैच ये अब 100 क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्वांटिटी कितने, इस बैच पे 100 क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको जब अपडेट करेंगे ये हमारा बैच डिफाइन हो गया। अब जब हम इशू करेंगे तो ये हमारा रिसीव करेंगे, तो इस बैच से हमें 100 क्वांटिटी रिसीव हुआ है। अब इसी बैच से जब इशू करेंगे तो इसी बैच के थ्रू ये इशू होगा। तो ये आपका मदरबोर्ड बन गया। अब मदरबोर्ड जब बन गया तो अब आते हैं हम लोग जो हमारा उसका जो ये मोबाइल जो कर रहे थे उसको देखते हैं। मोबाइल का ये था हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया था, उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर में आप देखिए ये मोबाइल मदरबोर्ड में, ये देखिए यहाँ पे बैक प्लस दो आइटम था, मोबाइल रैम एंड आईसीयू, इसीलिए ये आपको नहीं मांगा वहाँ पे इशू के लिए। अब फिर से हम चलते कहाँ पे, इशू फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि मदरबोर्ड हमने इशू नहीं किए थे। तो अब आ जाएंगे यहाँ पे,
अब देखिए वो ऑलरेडी मोबाइल वाला स्टैंडिंग है, अभी तक ये ऑर्डर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ मदरबोर्ड यहाँ पे स्टैंडिंग है, बाकी आइटम आपने सेलेक्ट कर रखा था तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इशू फॉर द प्रोडक्शन ये आ गया। अब इसको जब आप इशू कर देंगे इंटर क्वांटिटी दैट डजंट कॉज, अच्छा इसमें बोल रहा है कि आपका वेयर हाउस हमने SFG में डाला था, यहाँ से वेयर हाउस हम चेंज कर देंगे, किसको कर लेंगे SFG में, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो हुआ था मदरबोर्ड कहाँ गया था SFG में गया था। तो ये 100 क्वांटिटी है, 100 रिक्वायर्ड है इन स्टॉक, अब हम इसको इशू करेंगे। तो देखिए जिस बैच से हमने रिसीव किया था उसी बैच पे ये मांग रहा है, ठीक है। तो ये बैच ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ये बैच आ गया। अब जैसे ही अपडेट करेंगे विदाउट बैच का वो जाने नहीं देगा, यहाँ बैच बनाना क्योंकि बैचेबल आइटम है। अब आप इसको ऐड किए तो आपका इशू हो गया। इशू हो जाने के बाद आपका प्रोडक्शन लाइन में चला गया, मोबाइल भी चला गया, ठीक है, मदरबोर्ड चला गया और बाकी जितने आइटम थे ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन में था ही, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप रिसीव करेंगे कहाँ से, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन, ये रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन करेंगे मोबाइल का। तो आप फिर आएंगे प्रोडक्शन ऑर्डर ही बेस है, यहाँ पे आएंगे और ये आपका मोबाइल था, देखिए मदरबोर्ड वाला क्लोज हो गया, यहाँ से हट गया है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कितने आइटम है इसमें, जो आइटम 100 है, एक मोबाइल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 705 रुपीज, ये कॉस्ट कहाँ से आया, जितने भी आइटम आपके लगे हैं उन सारे आइटम का कॉस्टिंग एड करके आया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा FG वेयर हाउस में जाएगा। तो यहाँ पे FG हमने वेयर हाउस बना रखा है, इस वेयर हाउस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कहाँ चलाया FG वेयर हाउस। अब जब एड करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन, अब ये पूछ रहा है कि आप जो रिसीव कर रहे हैं तो ये भी तो बैचेबल, FG आइटम जनरली बैचेबल ही होता, तो ये फिर से बैच मांग रहा है कि कौन किस बैच पे करना है। तो हम ऑटो क्रिएट करेंगे, यहाँ से ऑटो आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे डाल देंगे कि ये FG आइटम है तो FG, ठीक है, और इसको स्टार्ट करेंगे 010 से, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे नंबर में कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, सॉरी इंक्रीजिंग में कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा कोई एट्रीब्यूट डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं FG और ये क्या है मोबाइल, तो M कर दिया हमने, ठीक है, मोबाइल कर दीजिए ऐसे इस तरह से, और इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा बैच क्रिएट हो गया, अब इसको अपडेट कर देते हैं, अब इसको आप रिसिप्ट कर लीजिए, तो ये आपका रिसिप्ट हो गया, 100 क्वांटिटी आपका मोबाइल बन गया। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन साइकिल क्लोज हो गया, जो आपका प्रोडक्शन था वो क्लोज। अब आप इस पर रिलेशनशिप मैप देखेंगे नीचे में कि रिलेशनशिप मैप क्या करा, तो इसका दिखाएगा ये क्लोज हो चुका है। ये देखिए यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर बना था, प्रोडक्शन ऑर्डर से प्रोडक्शन इशू हो गया, ठीक है, इशू दो बार हुआ क्योंकि एक बार मदरबोर्ड हमने बाद में किया था, बाकी आइटम को पहले कर दिया था, फिर रिसीव फॉर द प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जरा सा अकाउंटिंग देखते हैं, अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर देख लिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल एंट्री यहाँ पे नहीं जाता क्योंकि ये ऑर्डर बना है, ठीक है, लेकिन जब आप इशू में जाएंगे जो आपने इशू फॉर द प्रोडक्शन किया था इसमें आपको जनरल अकाउंटिंग पे दिखाएगा। ये देखिए ये है ना SFG, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिखाएगा, ये देखिए रॉ मटेरियल आपका क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इशू कर रहे हैं, तो इशू कर रहे तो हमारा मटेरियल जा रहा है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट होगा, और कहाँ जाएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में जा रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे जा रहा है, उसको बोलते हैं वो अकाउंट कौन सा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो डेबिट हो गया है। तो स्टॉक ऑफ क्रेडिट रॉ मटेरियल क्रेडिट हो गया एंड आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इशू हो गया, इशू होने के बाद आपने फिर क्या किया इशू होने के बाद रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए जब रिसीव करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस लाइन क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपका FG स्टॉक अकाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो उसी को आप देखिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका मोबाइल है, आप इसका जब देखेंगे जनरल एंट्री तो ये देखिए आपका क्या हो गया वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो गया और स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ठीक है, ये आपका क्योंकि ये ग्रुप क्या है स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हमने FG नहीं बना रखा है अकाउंट तो स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बना है, तो इसीलिए ये डेबिट हो गया क्योंकि मोबाइल क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उसका ग्रुप बना हुआ है स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, FG हमने सिर्फ वेयर हाउस बनाया है तो ये हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। प्रोडक्शन में आपके क्या क्या अभी आपने देखा, बिल ऑफ मटेरियल देखा, फिर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, प्रोडक्शन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है प्लान स्टेज होता है,
प्लान स्टेज को फिर से क्या करना है, उसको अप्रूव करना है, रिलीज स्टेट में जाना है। जब रिलीज स्टेट में जाएगा फिर आप कहाँ जाएंगे, इशू फॉर द प्रोडक्शन। इशू फॉर द प्रोडक्शन में जो आइटम आपका मैनुअली होगा वो आइटम आप इशू करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे आएगा। जो आइटम आपका बैक फ्लश में होगा ऑटोमेटिकली आपका इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इशू हो जाने के बाद